तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कन्नड़ मीडिया के साथ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा लोकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो भाई साहब, इधर आज बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आप यहाँ से एक बार लोकेशन पूरा चेक कर सकते हो, इसलिए आज मैं पूरा स्वेटर टोपी पहन कर आया हूँ। तो आज के वीडियो का पार्ट यह है कि हम अपने साइकिल का आज पूरा रिव्यू करने वाले हैं। लगभग मेरे को ये साइकिल 6 से 8 महीने यूज करते हुए हो चुका है, तो मैंने उसमें बहुत सी चीज़ मॉडिफिकेशन किया है। तो आज वो सारा चीज़ के बारे में बताएंगे और उसका प्राइस के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अपना साइकिल पूरा दिखाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे है हमारा साइकिल, आप देख सकते हैं कि इसे मैंने पूरा स्टंट्स करने के लिए पूरा इसे बिल्ड किया है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि ये बहुत ही कम बजट में एक स्टंट्स बाइक बन चुका है। बस इसका जो टायर है, वो टायर मैंने इसका बहुत ज़्यादा भारी है। इसके बस यही एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा साइकिल भारी है, क्योंकि इसका टायर बहुत ज़्यादा मोटा है। तो मैं बहुत जल्दी इसका टायर चेंज करूँगा। तो चलिए अब आपको पूरा साइकिल के बारे में बताते हैं और इसका फीचर्स बताते हैं और इसमें मैंने क्या क्या अलग से लगाया है उसके बारे में आपको बताते हैं पूरा। पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने ये गियर भी अलग से लगाया है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने लोकल शॉप से गियर खरीदा था, तो ये मेरे को लगभग 1000 का गियर पड़ा था उस समय। तो अभी इसका दाम नहीं पता, लेकिन मैं जब खड़ा था ये 1000 का था। और ये जो है, ये फ्रंट में ये 3 सेट क्रैंक सेट है, इसमें 3 गियर आता है। तो ये मैंने किसी लोकल शॉप से लिया था, तो इसका मेरे को रेट उतना नहीं मालूम था। लेकिन आप अगर लेंगे तो ये ऑनलाइन आपको लगभग 500 से 600 तक मिल जाएगा दोनों साइड का। और गाइस, इसका चैन का बात करें तो ये चैन मेरा अभी मोटा वाला ही लगा हुआ है, जो सिंपल साइकिल में आता है वही चैन है। हमको इसमें अभी पतला चैन लगवाना है, बाकी ये इससे भी साइकिल अच्छा चलता है। बस जो पतला चैन आता है वो भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, इसलिए वो चैन गियर के लिए अच्छा होता है। बाकी जो मेरा साइकिल के साथ चैन आया था, ये चैन वही है, और मैं इसमें जल्द से जल्द पतला वाला चैन लगवाने वाला हूँ। बात करेंगे सीट का, तो सीट मैंने अपने खुद से कस्टम बनवाया है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा फट गया था, मैंने इसे टेप से साट दिया है। और यहाँ पे मैंने ये जो सीट पोर्ट्स का पाइप आता है, उसे मैंने कट करके कुछ ऐसे लगाया है, ताकि ये सीट थोड़ा सा पीछे हो जाए, जिससे और आसानी होता है साइकिल चलाने में और व्हीली करने के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसे आज ही किया है, आप चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसा लुक लगता है। और इसके बाद आ जाते हैं हम साइकिल के रैप पे। तो ये जो रैप है, ये मैंने घर पे अपने से किया था, उसका वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। और ये रैप मैंने यही रैप में हैंडल के लिए मंगाया था, तो हैंडल पे मेरा रैप बच गया था, तो मैं अपने साइकिल के यहाँ पे फ्रेम पे मार दिया हूँ। और यहाँ पे आप शिफ्टर चेक कर सकते हैं, ये शिफ्टर मैंने जो गियर के साथ मिला था, अभी वही शिफ्टर लगा हुआ है इसमें। और ग्रिप भी मेरा नॉर्मल ग्रिप है। और ये जो स्टीम है, ये मेरा नॉर्मल स्टीम है। ये स्टीम मेरे को लगभग 250 का पड़ा था, मेरा एक बार टूट गया था, तो ये मेरा 250 का स्टीम पड़ा था। सस्पेंशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, जैसा था वैसा ही है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैक खुद से बना कर लगाया था, तो ये अब टूट चुका है, ये मैंने खुद ही बनाया हुआ हो चुका है। अभी से बस वेल्डिंग करवाना, इसका वेल्डिंग टूट गया है, तो इसे भी बनवा लेंगे। और उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का पैडल। तो ये जो पैडल, ये स्टॉक ही है, मैंने इसे चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये भी उतना अच्छा, मतलब कि पूरे ये स्टंट साइकिल को बिल्ड नहीं है, कुछ थोड़ा वो चलाने के लिए इसे बिल्ड किया है मैंने। और इसके बाद आ जाते हैं इसके हैंडल बार पे। तो ये जो हैंडल बार है, ये हैंडल बार इसमें बहुत छोटा था, लगभग ये यहाँ तक था। तो मैंने यहाँ इसमें और इतना इधर और इतना इधर मैंने जो आता है वो पतला वाला पैक्स, मैंने वही इसमें वेल्डिंग करवाया है यहाँ पे और यहाँ पे, जिसके कारण ये हैंडल और इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ पे है मेरा कैमरा के लिए माउंट, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं टायर का बात करें तो ये टायर मेरे को हमारा मिलता है 26x20। तो भाई साहब, ये टायर बस ही है इसमें बस टायर चेंज करने के लिए है। अगर इसका टायर चेंज हो जाएगा ना, तो भाई साहब इसे बहुत ज़्यादा मस्त स्टंट होगा, क्योंकि इसमें टायर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है इसका टायर है। तो आएंगे और पीछे में इसका मैं टायर चेंज करने वाला हूँ कुछ दिनों में। ये हमारे टायर को मैंने अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे व्हाइट पेंट किया, जब ये चलता है तो बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। और इसमें मैंने ये रैप भी किया है ये रिम पे, तो कुछ ऐसा लुक आता है टायर का हमारा। और इसका ब्रेक लीवर का बात करते हैं, यहाँ पे मेरा सिंपल ब्रेक लीवर है, ये मेरे दूसरा साइकिल का था है।
और ये मेरा जो ब्रेक लीवर है वो टूट गया है, तभी मैं सिंपल दूसरे साइकिल का लगाया है। और ये भी मेरा आगे का है तो ये भी यहाँ से क्रैक कर गया है, तो इसे मैं दोनों जल्द से जल्द चेंज करूँगा कुछ ही दिनों में। तो गाइस अब आ जाते हैं इसके ब्रेक्स पे, तो इसमें सिंपल आपको मैकेनिकल डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है आगे में भी, और पीछे में भी सिंपल मैकेनिकल डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और उसके साथ 160 mm का रोटर देखने को मिलता है। और कि मैंने अपने साइकिल का ये पैंडल में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, इसका बॉटम ब्रैकेट जो स्टॉक आता है वही बॉटम ब्रैकेट है, बस मैंने इसका ये पैंडल चेंज किया है, ये पैंडल और वो वाला पैंडल चेंज किया है, बाकी इसका जो अंदर का बॉटम ब्रैकेट होता है वो वही है। और मैंने अपने साइकिल में ये स्टैंड को नहीं निकाला है, क्योंकि भाई साहब स्टैंड है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं पर साइकिल खड़ा करना रहता है तो यहाँ पर स्टैंड बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसलिए मैं इसका स्टैंड नहीं निकाला हूँ। इसका हब का बात करें तो इसमें जो हमारा हब है उसको मैंने छेड़छाड़ कुछ भी नहीं किया है, जो स्टॉक हब आता है मैं वही हब इसमें यूज किया हूँ, आप पीछे में भी और आगे में भी, क्योंकि हब का क्या काम, हब तो उतना मतलब जो स्टॉक आता है वही हब बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो इसलिए मैंने हब को नहीं चेंज किया है, पूरा स्टॉक सेटअप पे है हमारा साइकिल का रिम है, और टायर भी ये वही है, तो ये भी टायर पूरा एकदम ख़त्म हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं आगे का, और पीछे का तो और भी ख़त्म हो गया है, आप ये चेक कर सकते हैं पूरा गंजा हो चुका है, तो इसे भी हम जल्द से जल्द चेंज करने वाले हैं। मैंने अपना गियर लिया था तो इसमें मतलब मेरा सारा सामान मेरा एक साथ ही मिल गया था, मैं अलग अलग सामान नहीं लिया था, इसमें मेरा गियर जो गियर लिया था उसमें ये फ्रीर व्हील और डिरेलियर और ये शिफ्टर पूरा साथ हमको मिला था, तो मैंने वही लगाया है, और बस इसमें हमारा शिफ्टर को चेंज करना है, क्योंकि इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, तो ये आप चेक कर सकते हैं इसका क्वालिटी पूरा ही एकदम लूज हो जाता है कभी कभी। और गाइस मैंने इसमें पीछे में पैक्स नहीं लगाया है, क्योंकि मेरा जो ये एक्सल है वो एक्सल छोटा एक्सल है, इसमें बड़ा एक्सल लगवाना है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर नट कितना निकला है, तो इसमें पैक नहीं लग सकता है, इसलिए इसमें जब बड़ा एक्सल लगेगा तब दोनों तरफ पैक लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा। और गाइस हमारे साइकिल के फ्रंट में यहाँ पे हमें क्यूक रिल मिला था, तो मैंने उसे खोलकर सिंपल इसमें एक्स लगा दिया है, क्योंकि भाई साहब क्यूक रिल जो आता है वो जब मन तब अपने यहाँ पे पूरा लूज हो जाता है और कभी भी टायर वो निकल जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्यूक रिलीज हटा कर यहाँ पे सिंपल सा एक्स लगा दिया है। और ये जो आप डिस्क प्लेट देख सकते हैं ये डमी डिस्क प्लेट है, ये मेरे पास पड़ा था तो मैंने वैसे ही लगा दिया, बाकी इससे लुक बहुत ज़्यादा मस्त आता है, आप ये चेक कर सकते हैं। हमारे साइकिल में एक बॉटल होल्डर भी है, क्योंकि भाई साहब स्टर्न साइकिल बनता है तो उसमें बॉटल होल्डर का कोई काम नहीं आता है, और मैंने इसमें बॉटल होल्डर रखा है क्योंकि कभी कभी पानी भी ले जाने के लिए पड़ता है, कहीं लॉन्ग राइड हम लोग जाते हैं तो इसमें पानी रख कर एक बोतल और लेकर चले जाते हैं, भाई साहब बीच रास्ते में प्यास लगती है तो पीने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। और गाइस इसका जो फ्रेम है ये सिंपल स्टील का फ्रेम है, ये अलॉय फ्रेम नहीं है, ये स्टील है, इसीलिए इसका फ्रेम थोड़ा सा हैवी है। साइकिल का पूरा टोटल कॉस्ट का बात करें तो मेरे को साइकिल 6,000 का पड़ा था, और प्लस उसके ऊपर से मैंने 2,000 से 3,000 का पूरा मोटा मोटी पूरा मॉडिफिकेशन में, और जब मैंने इसे जब बाइक किया था तो उसी टाइम मैंने इसको ले जाकर पूरा सर्विसिंग करवा दिया था, तो उसके कारण साइकिल बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, अभी भी ये स्मूथ चलता है, बस अगर सर्विसिंग हो जाएगा इसका साइकिल का तो और भी ज़्यादा मस्त चलेगा ये साइकिल। तो पूरा पूरा इसका कॉस्ट बात करें तो 9 से 10 हज़ार में मतलब कि लगा है पूरे से साइकिल पर, बस अब 10,000 में इतना अच्छा आपको स्टंट बाइक देखने को मिलता है, अब क्या चाहिए भाई साहब 10,000 में इतना ज़्यादा इतना मस्त स्टंट्स बाइक आपको मिलता है। तो मैंने इसे खुद से अपने बनाया है घर ही पे, अगर मैं इसे मैकेनिक के पास बनाता तो इसमें और भी ज़्यादा पैसा लगता है, और मैंने इसे खुद से ही बनाया तो उतना पैसा नहीं लगा। तो गाइस चलिए आपको हमारे साइकिल का एक छोटा सा सिनेमेटिक वीडियो दिखाते हैं, तो चलिए आप हमारे साइकिल का सिनेमेटिक वीडियो एंजॉय करें। बैठे कार विच मेरे जुनवे जे यार नीए बट खान पेंदे पंगे जान जा लेंदे असी बैठे हां बठाया बंदे उठने नी देंदे ओ गैंग साइना हत्था दा सिरो करदा अखा दा दिला उत्ते करे जब जे ओ बोल वांगू जदा मुंड टुकी आंगड़े लोका दा दी एवे पिंगे बोए घूमदे ओ मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली केड़ा करदा है तंग मैनू दस बल्ली साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बल्ली ए करदा है तंग केड़ा दस बल्ली।
तो यही था हमारा सबसे चीपेस्ट स्टंट साइकिल का रिव्यू। आप लोग बताइएगा कि हमारा साइकिल का आपको कैसा लगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप सपोर्टिंग। Oh, gang, it's time to hunt.